गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे थोड़ा सा आपकी क्लासेस जो बंद कर दी थी बीच में, ठीक है, और वापस स्टार्ट कर दी है, तो क्लास 8 इंग्लिश मीडियम का अपना नया चैप्टर लेके आया हूँ, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 है आपका अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, ठीक है। ये तो अभी थोड़ी सी क्या है, बड़ी थ्योरी है क्वाड्रिलेटरल, तो उससे पहले थोड़ा सा मतलब क्या है, सिंपल चीजें आपको पढ़नी है। तो जैसे जैसे बोर्ड दिख रहा है आपको, ये किसका एग्जांपल है, प्लेन सरफेस का एग्जांपल है ये बोर्ड है। जैसे पेपर हो गया आपका, वो भी क्या है, प्लेन सरफेस है, रफ सरफेस है। अब उसके अगर इस प्लेन सरफेस पे अगर मैं डॉट वगैरह बना दू यहाँ पे, ठीक है, तो अगर इन डॉट्स को मैं बिना पेन उठाए, ठीक है, ज्वाइन करता हूँ, तो उसको क्या बोला जाता है, प्लेन कर्व बोला जाता है। क्या बोला जाता है, प्लेन कर्व बोला जाता है। कोई भी जैसे ये नोट है, इसको ज्वाइन कर दिया मैंने, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, ये प्लेन कर्व बोला जाता है। मतलब बिना पेंसिल उठाया आपने कोई भी एक ड्रॉ कर दिया कोई भी चीज, ठीक है, वो एक क्या कहलाएगा, प्लेन कर्व कहलाया जाएगा। अब इस कर्व के अकॉर्डिंग, ठीक है, एक टर्म आती है पॉलीगन। क्या आती है, पॉलीगन। व्हाट इज पॉलीगन, मोना मतलब साइड्स होता है, मोना मतलब ग्रीक लेटर से बना है, पॉली मतलब बहुत सारे, दो वर्ड से बना है, तो पॉली से एक बना है मोना से। पॉली मतलब होता है आपका बहुत ज्यादा मोड, गुना मतलब होता है साइड, बहुत सारी साइड से जो मतलब आपका डायग्राम बनेगा उसको क्या बोला जाता है, पॉलीगन बोला जाता है, ठीक है। तो एक फिगर, मेड अप बाय द 9 सेंटीमीटर, इज कॉल्ड पॉलीगन। क्या कहलाता है, पॉलीगन कहलाता है। अब पढ़ेंगे सबसे पहले टाइप्स ऑफ पॉलीगन। सबसे पहला आता है ट्रायंगल, ट्रायंगल में जैसे कनेवल 3 साइड से बनाओ, मेड अप बाय 3 लाइन सेगमेंट्स, यहां पर सब नंबर ऑफ साइड, और 3 साइड से बना हुआ आपका ट्राइंगल। सेकेंड क्वाड्रिलेटरल, चार साइड से बना हुआ, ठीक है, प्रॉपर रफ कर देता हूं। हाँ, ट्राइंगल हो गया, क्वाड्रिलेटरल चार साइड से, 5 साइड से बनेगा आपका पेंटागन, यानी कि 5 तो वर्टिसेस होंगे, तो 5 ही साइड होंगी इसकी, नंबर ऑफ साइड 5 होंगे, वर्टिसेस भी 5। पेंटागन के बाद में 5 साइड होंगे, 6 साइड होंगे, हेक्सागन, छह आपका हेक्सागन हो गया, 7 मतलब वो हेक्टागन, ये रख पा देता हूं, 7 साइड हो, 1 2 3 4 5 6 7, 2 3 4 5 6 7, ये आपका हेक्टागन हो गया। 8 साइड हो, ऑक्टागन, 8 वर्टिस, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे वर्टिस दिखा दिया। ऑक्टागन के बाद नोनागन,
वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन। और अगर एन साइड हो इस तरह से 10 12 जितने चलती हो तो एन बोन बोला जाता है उनको, एन बोन, जिसके अंदर नंबर ऑफ साइड कितनी हो एन हो। तो ये आपकी क्या है पॉलीगन्स के टाइप हो गए, ठीक है, इनको आपको स्टडी करना है। नेक्स्ट है आपका डायगोनल्स। डायगोनल्स क्या होता है, दो वर्टिसेस को ज्वाइन करना होता है, ऑपोजिट नाम यहाँ पे करेक्ट नहीं होगा, दो लगातार जैसे एक दो तीन चार वर्टिसेस है, तो ये और ये मतलब क्या होते हैं लगातार वर्टिसेस, कॉन्सिक्यूटिव वर्टिसेस बोला जाता है, ठीक है। अब इसको इसको मैंने छोड़ दिया, अभी आ गया इन दो वर्टिसेस को क्या बोला जाता है नॉन कॉन्सिक्यूटिव, मतलब लगातार नहीं है, अगर इनको आप ज्वाइन करोगे तो उसको क्या बोला जाता है डायगोनल बोला जाता है। तो डायगोनल्स क्या होते हैं, ए लाइन सेगमेंट मेड बाय कनेक्टेड टू नॉन कॉन्सिक्यूटिव, नॉन कॉन्सिक्यूटिव वर्टिसेस इज कॉल्ड डायगोनल। जैसे मैंने मतलब मैंने क्वाड्रेंगल बनाया, एक दो तीन चार वर्टिसेस है, ए बी सी डी, अब चार वर्टिसेस है तो ये आपके दो लगातार वर्टिसेस है, तो मैं इसको छोड़ रहा हूँ, इसको पकड़ रहा हूँ, इनको ज्वाइन कर दिया, ये डायगोनल बन गया, ठीक है। अगर सर ये दोनों लगातार हैं तो इसको मैंने छोड़ दिया, इसको और इसको ज्वाइन करूंगा तो ये भी क्या बन गया डायगोनल। तो यहाँ पे जो डायगोनल है क्या है, एक तो ए सी है और एक डायगोनल है आपका बी डी, एक डायगोनल ए सी है एक डायगोनल बी डी है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, दर्शकों के लिए है, पेंटागन में बना रहा हूं ए बी सी डी ई, ये मैंने एक पेंटागन बनाया है, ठीक है ना, इसके आपको क्या है डायगोनल ड्रॉ करने हैं घर पे, ठीक है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल देता हूं, पी क्यू आर एस टी यू, और इस तरीके से डायगोनल के नाम भी लिखना है, ये होमवर्क है, इसमें आपको डायगोनल ड्रॉ करने हैं, उनके नेम भी लिखने हैं और काउंट करना है कितने डायगोनल हैं पेंटागन में और हेक्सागन में, ओके। तो आज आपको ये डेफिनेशन लिखनी है घर पे और इनको अच्छे से क्या करना है लर्न करना है, और ये जो पूरा होमवर्क है डेली आपको क्या है सेंड करना है व्हाट्सएप ग्रुप पे, कोई भी मतलब लापरवाही नहीं करेगा, आराम से अच्छे से मतलब तसल्ली से इनको आपको पढ़ना है।